अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर मज़हर रहमान, कार्डियोथोरैसिक सर्जन, लाइव फ्रॉम हार्ट सर्जरी ऑपरेशन थिएटर। आज मैं आपसे बीटिंग हार्ट सर्जरी, धड़कते दिल पे दिल का बाईपास ऑपरेशन करने के बारे में कुछ मालूमात, इंफॉर्मेशन और क्वेश्चन आंसर्स आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। बीटिंग हार्ट सर्जरी जो कि ओपन हार्ट सर्जरी की एक टाइप है, जो कि जिसको हार्ट बाईपास सर्जरी भी कहते हैं, उसके करने का एक तरीका का। हार्ट बाईपास सर्जरी आमतौर पर दिल की शरियानों की बंदिश की पैबंदकारी का नाम है। बाईपास ऑपरेशन या कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग या CABG या कैबेज ऑपरेशन बंद शरियानों की पैबंदकारी के लिए ऑपरेशन है। इसको ओपन हार्ट सर्जरी से किया जाता है। ओपन हार्ट सर्जरी का मतलब यह है कि जब सीना फ्रंट से खोला जाता है, इसको ओपन हार्ट सर्जरी कहते हैं। याद रहे, इस ऑपरेशन में दिल को सीने से बाहर नहीं निकाला जाता, दिल सीने के अंदर ही रहता है और उसके ऊपर पैबंदकारी की जाती है और मुतबादल रास्ते जो खून की फरामी के लिए बनाए जाते हैं। दिल का बाईपास ऑपरेशन या हार्ट बाईपास सर्जरी करने के दो तरीके हैं। एक रवायती तरीका है जिसमें हार्ट को हार्ट लंग मशीन पे डाल के, हार्ट के अंदर पाइप्स डाल के, खून को जो है मशीन में से गुजार के, हार्ट को कुछ देर के लिए रोक के आप ये ऑपरेशन करते हैं और बाद में हार्ट लंग मशीन के जरिए वो चला के हार्ट लंग मशीन से उसको उतार दिया जाता है। दूसरा जो तरीका है उसमें हार्ट लंग मशीन इस्तेमाल नहीं की जाती, इसको हम बीटिंग हार्ट सर्जरी कहते हैं या धड़कते दिल पे दिल की पैबंदकारी, शरियानों की पैबंदकारी कहते हैं। इसमें हार्ट को कोई मशीन पे नहीं डाला जाता, बल्कि पेशेंट जब एनेस्थेटाइज होते हैं, बेहोश होते हैं, तो हार्ट पे कुछ हिस्से जिस पे आपने बाईपास करना होता है, उस हिस्से को आप एक रिट्रैक्टर होता है, स्टेबलाइज़र होता है जिसको ऑक्टोपस स्टेबलाइज़र कहते हैं, उसके ज़रिए उस हिस्से को आप फिक्स करके उस शरियान की पैबंदकारी कर लेते हैं। ये इस तरीक़ाकार में आप दिल को रोकते नहीं हैं या दिल को कुछ देर के लिए बंद नहीं करते, लेकिन फिर भी याद रहे कि दिल सीने के अंदर ही रहता है, दिल को सीने से बाहर निकाल के कोई हार्ट सर्जरी नहीं की जाती। इस ऑपरेशन में आमतौर पर एक शरियान जो सीने के पीछे लगी होती है, जिसको इंटरनल मेमोरी आर्टरी कहते हैं, वो लगाई जाती है और टांगों में से नीचे वाले हिस्से में से नसें निकाल के, जिनको सेफनेस वेन कहते हैं, वो निकाल करके तो बाईपास ऑपरेशन किया जाता है। बाईपास ऑपरेशन एक इंतहाई कामयाब ऑपरेशन है जिसके 2-3% रिस्क हैं और इंतहाई कामयाब ऑपरेशन है जो कि लोगों की ज़िंदगियाँ बदलता है। हर ऑपरेशन के थोड़े से रिस्क होते हैं, इस ऑपरेशन के 2-3% रिस्क हैं। 97-98% ये ऑपरेशन सक्सेसफुल है। ये लोगों की एंजाइना ठीक कर देता है, अलामात बेहतर कर देता है, हार्ट अटैक से बचत हो जाती है और दिल की बीमारियों की वजह से अचानक जो मौत वाक़ होती है उसकी वजह कमी आ जाती है। ये ऑपरेशन एक मुस्तंद ऑपरेशन है जो साल हर साल से आजमाया जा चुका है और ये ऑपरेशन याद रहे कि स्टंट्स की नस्बत शुगर के मरीजों में सबसे बेहतर तरीका इलाज है, जो कि लंबे अरसे तक ये ऑपरेशन अपना काम करता रहता है। तो बाईपास ऑपरेशन करवाने के लिए आपको अपने मॉलेज के साथ मुकम्मल डिस्कशन करें और डिस्कशन करने के बाद इस ऑपरेशन का फ़ैसला करें। थैंक यू।